जैसे कि भजन संहिता 147 के 3 में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, वैसे ही परमेश्वर ने इस भाई को बीमारी के बिस्तर से उठाया। सारे भैन भरावान मेरे वालों जय मसीह दी। मेरा नाम सूरज है, ये मेरे भरा रोशन लाल जी हैं। असी जलंधर शहर के रहने वाले हाँ। इन्हां दे जीवन च प्रभु ने बिग टेस्टमनी दिती है। मैं इन्हां दी टेस्टमनी बारे तुहानूं मैं दसन जा रहा। इन्हां दी टेस्टमनी इदां है कि जुलाई 2021 दे विच ये अपने बाथरूम च नहा रहे सी। उन्हां दे दौरान इन्हां नूं चक्कर आए। इन्हां ने अपनी वाइफ नूं आवाज़ लगाई ते इन्हां दी वाइफ जदों इन्हां वल दौड़ के आए ते ये गिर गए। तो जो ये गिर गए तो इन्हों की वाइफ ने रौला पा दिता। तो नाल दे जद इन्हां दे ब्रदर नाल दे चाचे ताया दे लड़के जो आए इन्हों चा के आटो दे विच लै गए, होस्पिटल लै गए। इन्हों की वाइफ ने फिर मैनू फोन किया कि इदा इदा हो गया आ, अपनी जॉब तो छुट्टी लैके मैं उधर चला गया। जदों मैं होस्पिटल पहुँचा तो डॉक्टर ने इन्हों ICU दे विच भर्ती किया। तो इन्हों की MRI दिमाग की कर रहे थे। MRI के दौरान ही शो होया कि इन्हों के ब्रेन के ब्लड जम गया आ, 90% इन्हों का दिमाग जो डैमेज हो चुका सी। उहदे दौरान ही उन्होंने सानू जवाब दे दिता, कहिंदे किसी होर होस्पिटल लै जाओ। उन्होंने उस होस्पिटल तो जवाब दिता, असी इन्हू दूसरे होस्पिटल लै गए इन्हों। उन्होंने जो इन्हों की MRI देखी तो उन्होंने भी जवाब दे दिता। फिर तीसरे होस्पिटल लै गए, उन्होंने भी जवाब दे दिता। फिर चौथे होस्पिटल लै गए, उन्होंने भी इन्हों जवाब दे दिता। असी इन्हों जो भी होस्पिटल लैके जाते इन्ह के MRI देख के वो जवाब दे देंगे सी। कहते सी ये बहुत ही सीरीयस केस आ, क्योंकि 90% इन्ह का दिमाग डैड हो चुका सी। जदों इन्हों 4 होस्पिटलों ने जवाब दे दिता इन्हों की MRI देख के, तो उहदे दौरान इन्ह की फैमिली भी बहुत सारी दुख दे विच आ गई। इन्हों देख के इन्हों की फैमिली बहुत सारा रो रही सी। जो 4 होस्पिटलों ने इन्हों जवाब दे दिता तो असी 5वें होस्पिटल लैके गए। 5वें होस्पिटल वाले ने जो इन्हों दाखिल कर लिया तो उन्होंने ICU दे विच इन्हों दाखिल किया। तो उन्होंने दौरान ही जो डॉक्टर ने इन्हों वेंटीलेटर पर रखा तो उन्होंने सानू नाल ही कह दिता कि अगर ये 72 घंटे दे विच होश च आ गए ठीक आ, नहीं तो यह डेड आ। चाहे तो हो सकता ये कोमा के अंदर चले जाए, चाहे तो यह डेड भी हो सकते हैं। जो डॉक्टर के मूँह ए वाली गल सुनी तो सारी फैमिली दुख के नाल भर गई। जदों इन्हों वेंटीलेटर पर रख दिता तो 4-5 दिन बाद सानू पता लगा इन्होंने माड़ी जी मूवमेंट करनी स्टार्ट की है। इन्हों फूड पाइप ला दी नक् के दौरान ही, वो दौरान ही खाते पीते दौरान ही इन्होंने माड़ी जी होश की है। तो जो इन्होंने होश की तो इन्हों पता लगा कि मेरी अखा की लाइट भी चली गई है। तो जो अखा की लाइट चले गई तो सानू होर ज़्यादा धक्का लगा कि यह की हो गया है। जो डॉक्टर इन्नी गल कही तो डॉक्टर ने सानू कहा कि इन्हों की लाइट अखा की हमेशा दे लई चली गई है, कि पिछू ही इन्हों की लाइट जितों साढ़े दिमाग के अंदरों आती है पिछू ही खत्म हो चुकी है। जो उन्होंने मैं पूछा उन्होंने कहा कि इस दी लाइट लिया दे विच बहुत सारा खर्चा हो सकता है। उन्होंने सानू तकरीबन 2.5 लाख रुपया कह दिता कि तुम 2-3 लख रुपए का तुम अरेंज करके रखो। फिर भी कहिंदे पक्का शो नहीं कि इन्हों की दोबारा ये देख पाएंगे या नहीं। मैनू प्रभु ते विश्वास है कि प्रभु इन्हू चंगा जरूर करेगा, क्योंकि मैं खामरा चर्च के नाल जुड़िया, क्योंकि मैं उत्थे बहुत सारिया इदा दियां हीलिंगां देखदा, बहुत सारे मुरदे लोगों चंगा हुंदा देखदा, लंगड़े चलते देखदा। मैं उत्थे बहुत सारे लोग उत्थों चंगाई पाते देखदा। 5 अगस्त 2021 दे विच जो मैं खामरा चर्च के आया उस दिन अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग सी। इस ऑयल को अपने माथे पे लगाओ, अपने कानों पे लगाओ, अपनी आंखों पे लगाओ। होली गोस्ट, इमेजिन करो आप उन बैटल से आजाद हो रहे हैं, शरीर के रोग आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं वो विश्वास के नाल तेल नूं जदों मैं लैके गया वो अनॉइंटिंग ऑयल इन्हां दे उपर जिसका अपलाई किया। अनॉइंटिंग ऑयल लगा दे अगले ही दिन सानू फोन आता कि उन्हां दियां अखां खुल गईयां हन। जिहड़ा 90% दिमाग ही वो यीशु मसीह दे नाम च चंगा हो चुका है। ये दौरान ही जदों उन्होंने इन्हां दियां अखां खुल्लियां देखियां, दिमाग खुला देखिया, डॉक्टर आप शॉक्ड सी इह किदां हो सकदा है कि इह किदां हो गया। 4-5 दिन डॉक्टर आप इन्हों चेक करते रहे
कि यह किदा हो गया जिथे दवाइया नहीं काम कर सकिया, जिथे साड़ी मेडिसन, जिथे साड़े इलाज नहीं काम कर सके, ये किस तरीके ना खुल गई इन्ह दी अखा, इन्ह का दिमाग किदा खुल गया। डॉक्टर इन्हों चार पाँच दिन चैक करते रहे, जो पाँच दिन बाद इन्हों डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिता, असी इन्हों घर लैके आ गए। उस दिन तो बाद प्रोपर ठीक है, अखा तो देख पा रहे, सारे काम काज कर रहे हैं। जो मेरे ब्रदर ने मैंने प्रार्थना का तेल लगाया उस दिन तो मैंने चंगाई मिली। उस दिन तो बाद मैं प्रोपर ठीक हाँ, कारोबार से जा रहा, अपने परिवार से खुश हाँ। हूँ मैं अखा तो बिल्कुल दिख रहा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता। हुण मेरे ब्रदर प्रोपर ठीक हन। मैं इस गवाही दे लई परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा दिलों धन्नवाद करदा हां। सारयां नूं जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।